दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस लोन ऑफर 15,500 का लोन यहां पर सेंक्शन हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर एक सब्सक्राइबर दोस्त ने कमेंट किया था कि मुझे लोन की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ दिलवा दो, तो कांटेक्ट किया और कांटेक्ट देने के बाद यहां पर जो भी है सारा डॉक्यूमेंट्स फिल किया, उसके हिसाब से उनका सिविल लो था, फिर भी उनको 15,500 का लोन मिला है। उनको ज़्यादा अमाउंट चाहिए था लेकिन कम मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिला। तो आप लोगों को लगता है कि भाई आप लोगों को लोन क्यों नहीं मिल रहा है, आपका ही रिजेक्शन क्यों हो रहा है, मेरा ही क्यों यहाँ पर अप्रूवल होता है? तो अप्रूवल होता है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर रिसर्च करता हूँ कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबको जो है अपना दिमाग लगाना पड़ता है। आप खुद से सोचने लगते हो मैं वीडियो नहीं देखूंगा, नाम देखकर मैं चला जाऊंगा अप्रूवल करने के लिए और आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो आप सबका जो है अप्रूवल हो जाता, रिजेक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अप्रूवल मिला है, लोन का ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन दिख रहा है 15,000, बाकी का डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिलेगा लोन, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया है, वो ट्रिक्स जो है वो बताया है कि क्या चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप लोगों को लोन जो है यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को भी लोन चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों का भी लोन अप्रूवल करवा दूंगा। ठीक है, बाकी जो है डिटेल्स मैं आप लोगों को वीडियो में ही बताऊंगा, तो वीडियो आप लोग देखिए पूरा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कैसे आप लोगों को लोन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और नाम भी आप लोगों को एप्लीकेशन का वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और आप लोगों को वीडियो के अंदर ही नाम मिल जाएगा। तो ध्यान से आप लोग पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट में जो कि देख पा रहे हो यहाँ पर 15,500 का लोन अप्रूवल हुआ है, ये मैंने अप्रूवल दिलवाया है। यहाँ पर जो भी सब्सक्राइबर दोस्त ने लिखा था लोन की ज़रूरत था, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह भेजा था तो उसका लोन जो है मैंने अप्रूवल करवा दिया है। उनका सिविल जो है 600 के आसपास था, 590 के आसपास था, तो इनका लोन अगर अप्रूवल हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा? यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा लोन अप्रूवल करवा दो, मेरा लोन अप्रूवल करवा दो, मेरा इतना जरूरत है। देखिए आप लोगों को बता दूं कि इतने सारे लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं एक एक का लोन अप्रूवल करना पॉसिबल नहीं है। मैं चूज़ करता हूं, उसके बाद जो है मैं उनका जो है अप्रूवल दिलवा देता हूं, और अगर मिल जाते तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो दूसरा वीडियोज़ तो मैं लाता ही हूं, हर रोज़ जो है वीडियोज़ 3-4 वीडियोज़ ला ही जाता ही हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी लोन एप्लीकेशन आप लोगों को बताने वाला हूं, जिस तरीके से मैंने प्रोसेस के थ्रू अप्लाई किया था, पूरा प्रोसेस मैंने फर्स्ट टू एंड तक स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, आप लोगों को एक एक करके मैं समझाने वाला हूं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन सा ये लोन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या फिर नहीं है, एनबीएफसी है या फिर नहीं है, सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा वीडियो में ही। वीडियो पूरे एंड तक देखना है बिना स्किप किए, अगर आप स्किप करते हो तो आप लोगों को लोन जो है रिजेक्शन हो सकता है। आप लोगों को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप करके, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो यहां पर दिक्कत क्या आएगा, कुछ ऐसा स्टेप्स मैं बताऊंगा आप उसको सुनोगे नहीं, आप खुद से डालोगे और आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, जैसे कि मैंने यहां पर अप्लाई किया है आप लोगों को सेम उसी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, लोन का ऑफर यहां पर देखने को मिल रहा है, अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी 15,500 का, और नीचे जो है डिटेल्स दिया हुआ है, वो बाकी का जो डिटेल्स है वो मैं वीडियो में ही बता दूंगा। यहां पर जो भी है अगर आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो भी लोन एप्लीकेशन ये आखिर है कौन सा, ठीक है, ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये लोन एप्लीकेशन आखिर कौन सा है, तभी ना आप लोगों को जो है लोन मिलेगा। देखिए ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये आप लोगों को प्ले स्टोर पर देखने को मिलेगा, ये एक एनबीएफसी है, आरबीआई से लाइसेंस्ड है। अगर आप देखोगे तो इसका जो भी है अच्छा खासा डाउनलोड्स है, 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और रेटिंग्स भी जो है 4 से ऊपर ही रेटिंग्स है जो कि अच्छा माना जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मानो 1 मिलियन डाउनलोड्स है मतलब 10 लाख लोगों ने यहाँ पर अप्लाई अगर किया होगा तो 5 से 6 लाख लोगों को लोन मिला ही होगा, उससे भी ज्यादा शायद मिल सकता है, उतना तो पता नहीं कितने लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अप्रूवल करने पर लोन मिल रहा है अगर तो आपको भी मिलेगा और लोगों को भी मिल रहा है। ठीक है, तो अबाउट एप्लीकेशन में चलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या लगने वाला है। जैसे कि सबका ही सेम होता है, 21 साल का होना है, आपका जो भी है 20,000 का सैलरी होना चाहिए, कोई भी मैंडेटरी नहीं है, जिस भी भाई का लोन अप्रूवल करवाए 15,500 का उसका सैलरी जो है वो 12,000 का था, फिर भी मैंने उसका अप्रूवल करवा दिया। कैसे अप्रूवल करवाया वो मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो अगर मानो उससे भी कम है तो भी अप्रूवल हो जाएगा, वो मेरे ऊपर है, मैं आप लोगों का अप्रूवल करवा के रहूंगा। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड वेरिफिकेशन करेगा, कोई भी आधार डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो है स्टेटमेंट जो भी डिटेल्स है वो देना पड़ेगा, नाम वगैरह नंबर, और आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा, बाकी का जो है डिटेल्स आप लोगों को पता है क्या करता है क्या नहीं करता है। अब मानो ये एप्लीकेशन आप फोन में इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहला इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हेलो वेलकम गेट अप टू 2 लाख लोन इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर आपको 2 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। चीजें यहां पर आप लोग देख सकते हो, क्विक एंड सिंपल, इंस्टेंट ई अप्रूवल, हैसल फ्री, कंप्लीटली ऑनलाइन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, इजी वे में आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। योर डेटा इज 100% सिक्योर विद अस, आपका जो भी डेटा होगा वो 100% सिक्योर हो जाएगा यहां पर, उनके पास कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अप्लाई नाउ पे अगर क्लिक करोगे
तो नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा और वहां पर परमिशंस जो है मांगेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है हर एप्लीकेशन जो है लोन लेते टाइम एक परमिशन लेता है फोन का, जैसे कि फोन का डिटेल्स, यूजर परमिशन, SMS, स्टोरेज, इस तरीके का लोकेशन जो है परमिशन लेते हैं। तो आप उसको अलाउ करना और टिक करके आप एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करते ही आप लोगों को जो भी परमिशन दिखाएगा सब अलाउ करते जाना है। आप लोगों को एक भी जो है उसको डिसअलाउ करना नहीं है, डोंट अलाउ ऐसा मत करना, नहीं तो जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, मतलब अंदर जाने नहीं देगा आपको, एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये गलती मत करना, वो करना है तो अगर आपको सब कुछ जो है वहां पर एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि NBFC कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखने को मिल रहा है कि आपको यहां पर लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा, जो भी है आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अब मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, आप लोगों को पता है आधार कार्ड से लिंक हुआ जो भी मोबाइल नंबर है उसको ही डालना पड़ेगा। अब OTP आएगा, OTP आते ही नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा और वहां पर रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर आ रहा है कैप्चर प्रोफाइल पिक्चर। सबसे पहले आपको इसको क्लिक करना नहीं है, आपको क्लिक करना है उसको बाद में, जो भी फिल करोगे ना उसके एंड में आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप पहले ही क्लिक कर दोगे तो बाद में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर एंटर ईमेल आईडी जो है, सबसे पहले ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। एज पर स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे बोल रहा हूं आपको उसी तरीके से फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ईमेल आईडी पे एक कोड जाएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद पैन का जो है नंबर डालना पड़ेगा। लोन किस पर्पज से ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो किस पर्पज में, एडुकेशनल, शॉपिंग, मैरिज, किसी भी हेल्थ इशू हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, कुछ भी आप हो सकता है। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है मेडिकल इमरजेंसी। अगर आप लोग कोई और अदर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो रिजेक्शन का चांसेस भी बढ़ सकता है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी पे लोन देने का चांसेस ज्यादा है। अब यहां पर कम्युनिकेशन लैंग्वेज, आपके हिसाब से आप कौन से लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो वो लैंग्वेज आप चूज करना। आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, ऐसा जो है लिखा जा रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है आपको नो करना होगा। यस करोगे तो दिक्कत आपको आ सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो यहां पर आप लोग सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, उसी दोनों में क्लिक करना, अनएम्प्लॉयड मत क्लिक करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट हो गया आपका, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, क्या हो, आप लोगों को यहां पर देना पड़ेगा। आपके पास कितना व्हीकल है वो आपको यहां पर देना पड़ेगा। हाईएस्ट एजुकेशन लेवल, आप लोग कितने दूर पढ़ाई किए हो, तो आप लोगों को यहां पर एटलीस्ट 10+2 मतलब 12 एजेस जो है उसके ऊपर ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग किए हो नहीं किए हो उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको देना पड़ेगा, तभी आपका लोन एक्सेप्ट होगा। ठीक है, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो यहां पर, जो भी आप जहां पर रह रहे हो, वो घर आपका खुद का है या फिर आप दोस्त के साथ रह रहे हो या फिर जो भी है पेरेंटियल है, तो यहां पर आप फैमिली के साथ जो भी है पेरेंटियल वो आप करना। ठीक है, उसके बाद जो भी है सिलेक्ट बैंक, अब बैंक जो है सिलेक्ट करने पर यहां पर आपका जो भी बैंक है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद आई हैव ए रेफरेंस कोड, अगर है तो उसमें करना है, नहीं तो कंटिन्यू करने पर नेक्स्ट पेज में लेके चला जाएगा जहां पर आप लोगों को पूछा जाएगा जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला था वो मोबाइल नंबर यहां पर टिक हो चुका है, मतलब पहले डाला था, वो यहां पर शो करेगा। आर यू सैलरीड, तो यहां पर यस करना होगा, नो मत करना। ठीक है, तो यहां पर जो भी है यू विल रिक्वायर टू वेरीफाई आइदर वर्क ईमेल और सैलरी स्लिप। तो यहां पर कोई भी सैलरी स्लिप का जो है यहां पर कोई भी वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को यहां पर सिलेक्ट द सैलरी मोड, आप लोगों को NEFT IMPS जो है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर नीचे जो है कितना आपको अमाउंट मिल रहा है, तो 25,000 आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 25,000 लिखने के बाद नेक्स्ट जब भी करोगे कंफर्म करने पर यहां पर एक पिन जो है सेट करने के लिए बोला जाए। आप लोगों को देखने को मिल रहा है हाई सिक्योर है, इसलिए सभी एप्लीकेशंस में एम पिन जो है यहां पर सेट करने के लिए बोला जाता है। तो 4 डिजिट का एक एम पिन आप सेट कर लेना, वो आप याद रखना, नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो ये जो है एम पिन लगेगा। तो एम पिन सेट करने के बाद आप लोगों का KYC पूछ रहा है। यहां पर जो भी है आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। आधार कार्ड का नंबर जैसे ही डालोगे वहां पर आप लोगों को एक OTP आएगा आधार कार्ड पे, जो भी नंबर लिंक है वो OTP डालते ही नेक्स्ट टाइम में बैंक वेरिफिकेशन में लेके जाएगा। यहां पर जो भी बैंक है वो आप सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने पर आप लोगों को बैंक का नाम वगैरह अगर मैनुअली यहां पर नहीं मिलता तो मैनुअली आप सर्च करना नीचे। नेक्स्ट में करने पर आप लोगों को अकाउंट वगैरह जो भी है डालना पड़ेगा, जो भी IFSC कोड है वो डालना पड़ेगा, अकाउंट नंबर कंफर्म डालना पड़ेगा, आपका नाम डालना पड़ेगा, कौन सा ब्रांच है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कंफर्म करते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का पेज जैसे कि देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लोन अप्रूव हुआ है 15,500 का, प्रोसेसिंग फीस जो है 6.5% के हिसाब से आपका लगने वाला है 1,008 रुपये, ऑनलाइन कन्वीनियंस फीस 200 रुपये, डॉक्यूमेंट चार्जेस जो है 1% 155 रुपीज, GST जो है 18% का 245 रुपीज़ जो है यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 13,891 रुपीज़ जो उनके बैंक पर आया है, और बाकी का जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोग यहाँ पर चूज भी कर सकते हो कि कितना अमाउंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो भी रेफरेंस मतलब मिल रहा है, तो जिस भी बंदे ने लिया था मैंने उसका 15,000 का अप्रूवल दिलवाया था, तो 15,000 मिल गया है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आई हैव रिव्यूड माई बैंक डिटेल्स एंड EMI डिटेल्स, तो प्रोसीड करने पर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएगा जहां पर जो भी है एक ECS जो है ईनेट सर्विस एक्टिवेट करवाएगा, जो कि मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो या फिर बैंक स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हो या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, एज पर जो भी है आपके पास उसके हिसाब से आप इसको करना। अब देखना जो कि आप लोग जब भी उसमें अप्लाई करने जाओगे, मतलब आपका जो भी सब कुछ सबमिट हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा, मैसेज भी आपको मिल जाएगा कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर
कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लोन एप्लीकेशन आखिर कौन सा है ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसका नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस लोन एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस लोन एप्लीकेशन का नाम है चिन्मय पर्सनल लोन ऐप। ठीक है, जो भी लोन एप्लीकेशन है ये चिन्मय एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके थ्रू भी आप लोग लोन ले सकते हो। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करना, अगर नहीं मिलता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा लोन एप्लीकेशन तो मैं आप लोगों के लिए लाता ही हूँ हर रोज, क्योंकि इसके थ्रू मैंने खुद अप्लाई किया था और उनको लोन भी मिला था, इसलिए मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि हाँ मिल सकता है आप लोगों को, आप लोग जरूर जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।